नौर शहर के कोतवाली क्षेत्र के गंज इलाके में घर में घुसकर एक युवती के गोली मारने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने पास के रहने वाले एक युवक पर गोली मारने का आरोप लगाया और युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी युवक का गोली लगा हुआ शव खादर क्षेत्र में मिला है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर शहर के कोतवाली क्षेत्र के दारानगर गंज इलाके का है, जहाँ पर बाथरूम गई एक युवती पर पास के रहने वाले एक युवक पर गोली मारने का आरोप युवती के परिजनों ने लगाया है और घायल अवस्था में युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। युवती के परिजनों ने पुलिस को बताया है कि मोहल्ले में रहने वाले दूसरी बिरादरी का इंद्रजीत शुक्रवार रात 11:30 बजे घर में घुस गया, किशोरी के गोली मारकर फरार हो गया। युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक 20 दिन से युवती को परेशान कर रहा था। फिर क्या हुआ? मेरे पापा मुझे यहाँ ले आए। क्या मारा उसको? क्या नाम है उसका? इंद्रजीत। इंद्रजीत गांव पे रहने वाला है वो भी? हमारे घर के पीछे रहने वाला है। मारने की वजह क्या है? क्यों मारा? फोटो मैच करने गया था, मैं मना करती। तुम बातचीत करती थी उससे पहले? नहीं। कब से पीछे पड़ा था आपको? 20 दिन। किसी से शिकायत करी आपने? मैंने अपनी मम्मी से कहा था, मम्मी उनके घर गई थी डालने। फिर क्या हुआ? क्या नाम है आपका? प्रीत कौर जी। मामला हुआ है गंज में, क्या मामला है ये? सर दोनों लड़की का और लड़की का फेयर चल रहा था, काफ़ी एक साल से ही फेयर चल रहा था, सब गांव को पता था। और ये रात को शोर मचा तो हमने सुना कि लड़की को लड़के ने गोली मार दी। तो जैसे ही मैं बाहर निकली तो लड़की को नहीं मिली, उनके दूसरी फैमिली के मेंबर मिले, उन्होंने बताया कि लड़की को गोली मार के काका भाग गया है। और उसके बाद सुबह हमें दोपहर को पता चला कि मतलब जो लड़का है वो उसकी डेड बॉडी गंगा में पड़ी है। मतलब डेड बॉडी जो कहाँ मिली है? ये गंगा जी में मिली है। तो क्या लगता है आपको कैसे? हाँ जी, डेड बॉडी जो मिली है क्या लग रहा है आपको? यही लग रहा है कि लड़की के बाप ने ख़त्म किया है लड़के को। पहले लड़की के बाप ने मारा लड़के को? यही है, और कोई नहीं मार सकता। फिर लड़के को मार के लड़की के बाप ने फिर ड्रामा किया कि मेरी लड़की को मार। अच्छा, लड़की अस्पताल में भर्ती है, उनके गोली भी लगी है? नहीं, गोली नहीं लगी। पुलिस वालों ने चेक करा, पुलिस वालों ने ये कहा ना तो गोली है ना शर्रा है। तो लड़के की मौत हो गई है? लड़के की मौत हो गई। क्या नाम था लड़के का? इंद्रजीत सिंह उर्फ काका। दोनों गाँव के रहने वाले हैं गंज के? एक दीवार है दोनों घरों की, लड़की की और लड़के की, एक ही दीवार है मकान की। तहरीर दे दी आपने? अब देनी है। कमलेश, ये जो गोली लगी है लड़की की, क्या है प्रॉब्लम? लड़की को ब्लैकमेल करता था, स्कूल के पीछे जाता था कि मुझसे कोर्ट मैच कर। कौन था लड़का? इंद्रजीत। आपकी क्या है? मेरी ये लड़की है। कब से जो है परेशान कर रहा था? मेरी लड़की ने बताया कि उस दिन इनने डर के मारो हमसे बताया नहीं कि इनने क्या कि गोली मार दी थे, इससे बता दिया। कहाँ पढ़ती है बच्ची? बिजल कुटी स्कूल। कौन से क्लास की छात्रा है? हाई स्कूल। इसकी शिकायत आपने पुलिस में की? जी, अब की है, अब एफ आई आर कराने गए। जब रात उसने जितने बजे गोली मारी थी रात, हम इसको यहाँ ले आए हॉस्पिटल। तो गोली घर में आके मारी थी? कैसे गोली घर में आकर मारी थी? लेटरिन के लड़की के साथ बाथरूम करके निकली, उसने एक बार हाथ पकड़ा खींचा, लड़की ने शोर मचाया, उसने एकदम सीने पे गोली मारी, एकदम दीवार कूद के भाग गई। कितनी गोली लगी लड़के? कितनी गोली लगी? गोली एक एक गोली मारी। ये क्या है प्रॉब्लम? हाँ, ये लड़की है गंज की, 15 साल की उम्र है, गंज की रहने वाली है, इसके सीने में गोली लगी हुई है और हालत उसकी ठीक है, तो उसे भर्ती कर रखा है। कितनी गोलियाँ जो है डॉक्टर साहब? एक गोली लगी है सीने के तरफ, सीने के नीचे की तरफ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास
बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।